हेलो गाइस, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं यूट्यूब पे आई हूँ, मुझे मालूम है। और मैं यूट्यूब पे ऐसे ही नहीं आई हूँ, मैं आपके लिए ये क्रिसमस लुक लेके आई हूँ। एज यू कैन सी कि इट्स सो डैम प्रिटी। ये जितना खूबसूरत है उतना ही इजी भी है अचीव करना। कुछ नहीं करना है इस लुक के लिए। बहुत ज़्यादा मैंने इस वीडियो में अफोर्डेबल कॉस्मेटिक आइटम यूज़ किए हैं, प्राइमर्स वगैरह, लिप शेड्स वगैरह, जितनी चीज़ें मुझसे हो सकी मैं अफोर्डेबल आप लोगों के लिए अरेंज कर सकूँ, मैंने उतना ही अफोर्डेबल चीज़ें आप लोगों के लिए अरेंज की हैं। और मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आई लुक है ये कम्प्लीटली मेरे आउट ऑफ कम्फर्ट जोन से है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक, इवन अपनी ओरिजिनल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी, कभी भी मैंने ऐसा आई मेकअप नहीं वियर किया है। आप मेरे को फॉलो करते हो अगर इंस्टाग्राम पे तो आपने मेरी फ़ोटोज़ वगैरह डेफिनेटली देखी होंगी। मैंने कभी भी आज तक ऐसा सुपर कट क्रीज लुक अपनी अब तक रियल लाइफ मैंने अब तक नहीं वियर किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट ऑन द यूट्यूब और सबके आगे मैंने इसे क्रिएट किया है। और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ इस लुक से, जैसा ये टर्न आउट हुआ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था इसके लिए। और फर्स्ट अटैम्प्ट के हिसाब से दिस इज़ माई 110%। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हाई, माई नेम इज़ प्रज्ञा और मैं मेकअप रिलेटेड और स्किन केयर के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँगी आगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी मैं बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ और अब मेरे पास टाइम बहुत है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और अपने इस टैलेंट और अपनी हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं कर सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। और ऐसे और नए नए कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Let's start with prepping our face. I'm using my Pond's moisturizer. It looks like this. Now, taking my primer, it's Swiss Beauty Real Makeup Base Highlighting Primer. It looks like this. Now I'm taking my Swiss Beauty concealer, which comes in the packaging with a frost bottle like this, and it is in the shade number 1, Warm Sand, and it works as a orange corrector for me as it's a bit darker shade for me, so I will cancel out all my darkness with this. मैं इसे वहाँ वहाँ लगाऊंगी जहाँ मेरे पूरे फेस पे डार्कनेस है, जस्ट आईलेट्स थोड़े बहुत यहाँ पे अंडर द आईज, कॉर्नर ऑफ द नोज, और अब मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं इसे अपने कॉम्पैक्ट से सेट करूँगी। मेरा शेड है 006 वार्म बेज एंड इट्स फ्रॉम द रिमेल लंदन। नाउ यूजिंग माय स्विस ब्यूटी कंसीलर्स इन द शेड 02 एंड 03, मैं इनको अब मैं अपने ऑरेंज करेक्टर जहाँ मैंने प्लेस किया था वहाँ वहाँ लगाऊंगी। बट मैं आईलिड से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं पहले आई मेकअप करूँगी, तो इसको इस तरीके से मैं लगा के और
और अब मैं इसे अपने ब्यूटी ब्लेंड से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ आई एम टेकिंग माई आईब्रो पेंसिल, इट इज़ NYBay एंड इट इज़ द शेड नंबर ब्राउन। एज यू कैन सी कि मैंने कितना ज़्यादा इसको यूज़ कर लिया है और ये किस अमाउंट में अब बची हुई है मेरे पास। सो मैं पहले इस पुली से अपने आईब्रोज के हेयर्स को कॉम कर लूँगी लाइक दिस। और जो भी मेरी स्पार्स एरिया है जहाँ पे थोड़े हेयर्स कम हैं या थोड़ी शेड कम है मैं वहाँ पे इसको फिल कर लूँगी। सो आई एम डन विथ माई बोथ द आईब्रोज। नाउ आई विल क्लीन माई आईब्रोज विद द हेल्प ऑफ द कंसीलर स्विस ब्यूटी विद द शेड नंबर 02। ये थोड़ा लाइट है 03 से, हल्का सा लाइट है, ज़्यादा लाइट नहीं है, बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस है दोनों में, इसलिए मैं इसे अंडर माई फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी माई बोथ द आईब्रोज। नाउ मूविंग ऑन टू द आई शेडो पार्ट, आई एम यूजिंग माई फक्यूलर 12 कलर्स टू हॉट पैलेट। इट लुक्स लाइक दिस। इट कम्स विद अ क्वालिटी मिरर एंड द शेड्स आर रियली रियली वेरी गॉर्जियस। सो यू कैन सी कि मैंने ये कितना ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर चुकी हूँ। सो मैं इसी से यूज़ करूँगी, यही पैलेट यूज़ करूँगी। Okay, so let's start with the shade, and it's the shade Rufus, this one, red one. I'm placing it over my all over the lid. Now I'm taking this shade orange, known as tomato. From here, and now the shade chili, which is a medium skinish tone something. And now adding some tints of yellow, which is a lemon juice shade, right from here, this one. And now again I'm taking this Rufus right from here and I'm building it all over my eyelid. And now adding the shade Coffee Beans right from here, which is a brown shade, into my outer V corner. Okay, so just to build the intensity for that brown one, I'm using my black coal, which is from the purple. And ये बहुत अच्छा काजल है, बहुत easily glide करता है और थोड़ा smudge proof नहीं है, इसीलिए मैं बस इसको अपने outer V पे थोड़ा intensity देने के लिए मैं use कर रही हूँ। Brown के साथ मैं इसे mix कर लूँगी। सो अब मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी और मैं फिर से शेड नंबर 02 यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ सैंड सेबल फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये मैंने कट क्रीज ड्रॉ कर ली है और अब मैं इस पे शेड अप्लाई करूँगी सनसेट एंड प्लैटिनम क्रिस्टल। दिस पिंक वन इज़ अ सनसेट एंड दिस इज़ प्लैटिनम क्रिस्टल। तो मैं कुछ पिंकिश पर्पलिश मिक्स करके अप्लाई करूँगी इस पर।
फिर इसके बाद मैं सेम शेड लूँगी कॉफ़ी बीन्स विच इज़ अ ब्राउन शेड और मैं इसको अंदर की तरफ इसको स्मच कर लूँगी। ओके नाउ आई विल बी यूजिंग माई सिल्वर ग्लिटर मेटालिक लाइनर फ्रॉम ब्यूटी पीपल और ये मैं सिर्फ उतने ही एरिया में लगाऊंगी जहाँ मैंने कट क्रीज ड्रॉ की है। ओके अब मैं अपना स्टीव कुर्की का बैडस आईलाइनर लूंगी और इससे मैं एक विंग ड्रॉ करूंगी। सो नाउ अब मैं अपनी बॉटम लाइन पे मैं काजल लगाऊंगी। सो मैं अपना सेम पर्पल का ही काजल यूज़ करूँगी। और अब मैं अपना सेम टमाटो रूफोस कॉफ़ी बीन्स एंड इंक्लूडिंग दिस येलो शेड लेमन जूस सब मिक्स करके मैं अपने नीचे वाले वाटर लाइन को मैं टाइट कर लूँगी। मैं सेम अपनी अब सेकेंड आई पे भी करूँगी और वो करके मैं आती हूँ। ओके सो आई एम डन विद माय बोथ द आईज एज यू कैन सी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द फेस। फॉर रेस्ट ऑफ द फेस मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ करूँगी इन द नंबर शेड 3। उससे मैं अपने डार्क सर्कल्स थोड़े हाइड करूँगी। मैं ऑरेंज कंसीलर के ऊपर उसे लगाऊंगी। ओके सो दिस इज़ द शेड नंबर 3 लाइट मोएन। ओके इतना करने के बाद मैं अपना मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ करूँगी 24 आवर सुपर स्टे and my shade is 220 natural beige. मैं इसे सेम अपने रिमाल लंदन के कॉम्पैक्ट के साथ सेट कर लूँगी फुल फेस को। ओके अब मैं ले रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स की काउंटर दी फोर्स फेस पैलेट। ये कुछ ऐसी है इसकी आउटर पैकेजिंग और ये अंदर एक मिरर के साथ आता है और इसमें एक ब्लश एक हाइलाइटर और एक काउंटर मिल जाता है। तो मैं भी यहाँ से एक काउंटरिंग शेड लूँगी और जो कि फाउंडेशन लगाने का मेरा फुल फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट हो चुका है उसमें कुछ भी डायमेंशंस नहीं है तो मैं अब इससे डायमेंशंस दूँगी। Now I'm using blush. It is from the Wet n Wild in the shade Apricot. Okay, now I'm using Faces Canada All Time Pro Makeup Fixer. It looks like this. Now let it dry. नाउ आई एम यूजिंग हाईलाइटर और ये हाईलाइटर है मेबेलिन मास्टर क्रोम एंड इट इज़ द शेड मोल्टन गोल्ड। एज यू कैन सी इट्स द शेड मोल्टन गोल्ड और ये बहुत प्रिटी गोल्डन कलर का हाईलाइटर है और जो इसमें शीन है ओ माई गॉड आई एम जस्ट अ फैन ऑफ इट। एज यू कैन सी इट्स सो ब्लिंकी ब्लिंकी।
सो लेट्स एंड द लुक. बात करते हैं हम लिप शेड्स की, तो इसके ऊपर कौन से लिप शेड्स जा सकते हैं ऐसे वाले लुक्स के ऊपर बेसिकली. तो मैंने यहाँ पे 5 लिप शेड्स सेलेक्ट किए हैं और मैं आपको वन बाय वन इनके स्वेचेस और दिखा देती हूँ कि ऐसे वाले लुक के ऊपर एक्चुअली में लिप शेड्स कैसे लगेंगे. सो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेकअप या फिर अगर आपको कुछ लेने का मन हो तो आप कर सकते हैं वेरी इजीली. ओके सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट शेड से विच इज़ फ्रॉम मेबेलिन सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड इट इज़ द शेड बैरली न्यूड. और ये वाकई में एक बहुत ज़्यादा प्रिटी ब्राउन न्यूड कलर है अगर आप न्यूड लवर हैं तो. सो लेट्स सी कि ये इस मेकअप के साथ और लिप्स पे कैसा लगेगा. Now let's move on to the second shade. It is from Blur India. और ये इनका एक बहुत ही प्यारा सा न्यूडिश पिंक शेड है. अगर आप पिंक लवर हैं so you can definitely go for this lip shade as well. ओके सो जो मेरे पास नेक्स्ट शेड है वो कलर पॉप की तरफ से है एंड इट्स देयर जिकी मैट एक्स. और ये बहुत ही अच्छी क्रीमी मैट लिपस्टिक है. फॉर्मूला इज सुपर, बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है. एंड सीरियसली इट्स बटरी सॉफ्ट, बटर की तरह ग्लाइड होती है बिल्कुल. ओके तो जो मेरे पास नेक्स्ट शेड है वो अगेन मेरे पास ब्लर इंडिया की तरफ से है और ये है इनका एकदम बढ़िया सा रेड शेड. एज यू कैन सी बहुत प्यारा लगता है ये लगा के. मैं अभी आपको दिखा देती हूँ. This shade is so amazing. I'm in love with this shade. So, जो मेरे पास last shade है वो again Maybelline Sensational की तरफ से है and it is their shade number 11, Made Easy. ये बहुत ज़्यादा प्यारा rusty shade है. तो मैं दिखा देती हूँ आपको actually rusty क्या है क्या नहीं. मैं explain नहीं कर पाऊँगी तो आप खुद देख लीजिए. सो एज़ यू कैन सी कि ये शेड कैसा लग रहा है.